इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द रूल्स टू डिफाइन जावा आइडेंटिफायर्स अब ये आइडेंटिफायर होता क्या है आइडेंटिफायर्स कोई वेरिएबल है तो वेरिएबल का जो नाम है द नेम वी हैव द नेम इज़ कॉल्ड एज आइडेंटिफायर उसके अलावा अगर आपके पास कोई मेथड है मेथड का नाम क्या है आपकी क्लास का नाम क्या है तो जो नाम भी होता है उस सबको हम आइडेंटिफायर ही हम लोग यहाँ से बोलते हैं तो इस वीडियो के अंदर विल सी वट आर द रूल्स टू डिफाइन जावा आइडेंटिफायर्स उसके क्या क्या रूल्स हैं लगभग छः से लेकर सात रूल्स हैं जो आप लोग यहाँ से यूज करते हैं उसके साथ साथ हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं और ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो सभी वेरिएबल्स के ऊपर ही है चलो लेट अस स्टार्ट सो रूल नंबर वन द ओनली अलाउड कैरेक्टर्स इन जावा आइडेंटिफायर्स आर कौन कौन से नाम यहाँ पर हो सकते हैं जो भी आपके पास आइडेंटिफायर्स हैं उसके कुछ रूल्स हैं तो कौन कौन से आपके पास करेक्टर्स यहाँ पर अलाउड हैं नंबर वन ए से लेकर जेड तक यानी कि स्मॉल ए लेकर स्मॉल जेड तक सारे कैरेक्टर्स जो है वो अलाउड है उसके अलावा कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक वो सभी अलाउड है उसके अलावा ज़ीरो से लेकर नाइन तक वो सभी यहाँ पर अलाउड है यहाँ पर अंडरस्कोल भी अलाउड है और यहाँ पर डॉलर भी अलाउड है लेकिन इसके अलावा जो स्पेशल सिंबल्स हैं जैसे अगर हम टिल्डा हम सिंबल को यूज़ करते हैं या फिर अगर आपके पास एक्सप्लेशन साइन है तो ये सभी हैं ये दीज आर नॉट अलाउड तो कौन कौन से अलाउड है जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सभी अलाउड हैं नंबर्स हैं वो अलाउड है वो अंडरस्क्रॉल भी अलाउड है और उसके साथ डॉलर भी अलाउड है उसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल यहाँ पर अलाउड नहीं है नाउ रूल नंबर टू सो इफ़ यू यूज एनी अदर कैरेक्टर्स विल गेट कंपाइल टाइम एरर अगर कोई और यहाँ पर जो स्पेशल सिम्बल्स हैं अगर वो यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो आपको कंपाल टाइम एरर आपको यहाँ से मिलेगा जैसे जो पहला नाम है दिस इज़ परफेक्टली फाइन ये दिस अ नेम ऑफ आइडेंटिफायर और ये परफेक्टली फाइन है क्योंकि टोटल जो है जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सभी कैरेक्टर्स अलाउड हैं यहाँ पर अंडर स्क्रॉल भी अलाउड है ये नंबर भी यहाँ पर अलाउड है सो इट इज परफेक्टली फाइन लेकिन अगर उसके अंदर कोई स्पेशल सिंबल डालने की कोशिश करेंगे जैसे आपके पास ये है हैश तो दिस इज नॉट अलाउड तो यहाँ पर अलाउड नहीं है तो यहाँ पर आपको कंपाइल टाइम एरर आपको यहाँ से मिलेगा नेक्स्ट जो भी आपके पास आइडेंटिफायर्स हैं वो एक डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते यानी कि जो भी आपके पास आइडेंटिफायर है दे शुड स्टार्ट विद सम कैरेक्टर्स कुछ करेक्टर्स से अलाउड है लेकिन जो आ, अगर स्टार्टिंग ही अगर आपके पास एक नंबर है तो अलाउड नहीं है तो जैसे यहाँ पर ए बी सी और दिस इज़ द वन टू थ्री तो ये क्या है दिस इज़ परफेक्टली फाइन ये बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास वन टू थ्री अगर स्टार्टिंग में ही वन टू थ्री है और लास्ट में आपके पास ए बी सी कुछ भी है तो ये अलाउड नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग ही आपके एक नंबर से स्टार्ट हुई है सो दैट इज वाई इट इज़ अलाउड नेक्स्ट जावा में जो भी आइडेंटिफायर्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं यानी कि अगर आपके पास कुछ नाम है राइट right? चाहे वो आपके पास एक कैपिटल है चाहे वो स्मॉल पे है दिज आर टू डिफरेंट कैरेक्टर्स आई मीन दिज आर टू डिफरेंट आइडेंटिफायर्स जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से इंटीजर नंबर इज़ इक्वल टू टेन और ये जो नंबर है ये सभी जो है वो स्मॉल कैरेक्टर्स हैं अब अगर इसका पहला कैरेक्टर ही अगर मैंने कैपिटल दे दिया अगर मैं एन की वैल्यू जो है वो एन हम जिसकी जो जो एन जो है वो एक कैपिटल है तो नाउ दिस आर डिफरेंट आइडेंटिफायर वो एक अलग आइडेंटिफायर है इवन अगर मैं इसको कुछ मिक्सचर जंपल तरीके से अगर मैं यूज़ करूंगा आई मीन दिस आर करेक्ट बट उन सबका जो दिज आर ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट आइडेंटिफायर सभी जो है वो अलग अलग आइडेंटिफायर्स हैं ठीक तो है तो अगेन आई एम सेइंग जावा आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव वो सभी केस सेंसिटिव हैं और बिकॉज ऑफ यू नो बिकॉज़ जस्ट बिकॉज ऑफ कैपिटल है या स्मॉल है इसकी वजह से दिस आर टू डिफरेंट आइडेंटिफायर्स जो आपको यहाँ से मिल सकता है नेक्स्ट रूल नंबर फाइव जो भी आपके पास आइडेंटिफायर्स हैं आपकी कोई भी मतलब यू डोंट हैव एनी लिमिट कि आपके पास जो आइडेंटिफायर की लेंथ है वो कुछ भी हो सकती है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ओनली थिंग इट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू हैव मोर देन फिफ्टीन लेंथ उसके अलावा वी यूज रिज़र्व वर्ड्स तो आपके पास जो रिज़र्व वर्ड्स हैं वो यहाँ पर अलाउड नहीं है जैसे अगर आपके पास इफ़ है तो ये क्या है ये एक रिज़र्व वर्ड है तो इस तरीके से लगभग 64 से 65 ऐसे रिज़र्व वर्ड्स हैं जो हम आइडेंटिफायर में हम जिसको नाम नहीं दे सकते अब जैसे फॉर एक्ज़ाम्पल इंटीजर इफ़ इज़ इक्वल टू टेन तो ये जो इफ़ है इफ़ इज़ ए आइडेंटिफायर लेकिन जो फिफ्टीन जो है वो ख़ुद में एक रिज़र्व वर्ड है तो जो रिज़र्व वर्ड है वो यहाँ पर अलाउड यू नो वी कैन नॉट यूज एट उसके अलावा ऑल प्री डिफाइंड जावा क्लासेस और इंटरफेसेस वो वी कैन यूज़ एज आइडेंटिफायर तो सबको हम आइडेंटिफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं ऑल प्री डिफाइंड जावा क्लासेस नेम्स एंड इंटरफेस नीम्स विल यूज़ एज आइडेंटिफायर तो हम इसको एज ए आइडेंटिफायर की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं इन जावा वी हैव रफली सिक्सटी फाइव जावा रिजर्व कीवर्ड्स सो फॉर एग्ज़ाम्पल यूज कीवर्ड जो हैं फिफ्टी टू हैं जैसे आपके पास बाइट शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग कैरेक्टर सो ये सभी जो है ये पहले से डिफाइंड है आप इसको आइडेंटिफाई नहीं बना सकते उसके अलावा वाइड है Where है ट्रू फॉल फॉल्स नल अंडरस्क्रॉल और उसके अलावा पैकेज इम्पोर्ट ये सभी जो है दिस इज़ यू नो दिस आर नॉट अलाउड यू के नॉट एक्सेस इट आप इसको मतलब इसको यू के नॉट एज आइडेंटिफायर उसके अलावा कुछ रिस्ट्रिक्ट कीवर्ड्स भी हैं जैसे एक्सपोर्ट मॉड्यूल ओपन ओपन्स टू ट्रांसिटिव तो इस तरीके से टोटल आपके पास सिक्सटी फाइव रिजर्व कीवर्ड्स हैं इन चावा और यू कैन नॉट यूज़ इट आप इसको एज ए आइडेंटिफायर का नाम इस नहीं दे सकते ना फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव सम एग्जाम्पल्स हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं और आपको बताना है कि द फॉलोइंग वेरिएबल डिक्लेरेशन विल थ्रो एन एरर एट कंपाइल टाइम राइट तो आपके पास कहाँ पर एरर यहाँ पर हो सकता है विच ऑज़ द फॉलोइंग इज और आर इन करेक्ट इंसलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल तो वेरिएबल जो है इसमें से कौन से इंसलाइजेशन जो है वो यहाँ पर गलत है पहला ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए इज़ नॉट करेक्ट वो यहाँ पर सही नहीं है क्योंकि आपको पता है कि बाइट जो है वो एट बिट का होता है और इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है माइनस वन ट्वेंटी एट से लेकर जो उसका जो सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए वो प्लस वन ट्वेंटी सेवन तक ये यह वैल्यू यहाँ पर हो सकता है लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है हमने फोर uh, हंड्रेड को इसके अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं और इसका ऑब्वियसली

और डबल की वजह से दिस इज़ नॉट करेक्ट तो ये भी यहाँ पर सही नहीं है अगर ये इसकी जगह पर कुछ ऐसा होता इंटीजर कॉस्ट इज इक्वल टू नाइन 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 तब ये परफेक्टली फाइन था इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी बट बिकॉज हमने पॉइंट जीरो हमने डॉँ पर डाल दिया है तो यानी को डबल बनता है तो दिस इज बी इज नॉट करेक्ट ऑप्शन नंबर सी फ्लोट फ्रैक्शन इज इक्वल टू दिस वैल्यू तो ये भी आपके पास एक एरर है ये एरर क्यों है क्योंकि जो 999 9.989 ये जो वैल्यू यहाँ पर है ये भी एक डबल नंबर है दिस इज़ ऑल्सो डबल अगर इसकी जगह पर कुछ ऐसा होता इंटीजर कॉस्ट इज इक्वल टू 9.989 पॉइंट एफ नाउ दिस इज़ अ परफेक्टली फाइन तब ये सही होता राइट right? क्योंकि हमें बताना पड़ता है कि ये फ्लोट है इट इज़ नॉट यू नो दिस इज नॉट डबल तो ये भी आपके पास एक एरर है ओके okay, तो अगर आप फिर से समराइज कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है दिस इज़ एन यू नो दिस इज़ नॉट करेक्ट बी भी यहाँ पर करेक्ट नहीं है ये सभी आपके पास इनकरेक्ट इनशलाइजेशन हैं सी भी यहाँ पर गलत है ठीक है तो इसकी लिमिट की वजह से गलत है इसमें लास्ट में हमने बताया डबल है डबल को आप इंटीजर में नहीं डाल सकते इसी वजह से गलत है सी में अगर आप चेक करोगे यहाँ पर भी हमने अगर एफ़ यूज़ करता था तब ये ठीक था लेकिन बिकॉज ये डबल नंबर है तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते ऑप्शन नंबर डी इज़ परफेक्टली फाइन ये यहाँ पर सही है क्योंकि ये डबल नंबर है और इसके अंदर हम एक इंटीजर को इस यू नो डबल पे हम लोग डाल सकते हैं इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ए बी और सी ये तीनों गलत है ओके नॉट सी द नेक्स्ट प्रोग्राम तो इस प्रोग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या क्या आउटपुट यहाँ से आ रहा है सबसे पहले uh, एज ऑफ नाव मैंने आपको नहीं बताया कि आपके पास क्लासेस क्या है तो आप इसको इग्नोर करो जस्ट इग्नोर दिस स्टेटमेंट्स जस्ट ट्राई एंड फोकस ऑन दीज स्टेटमेंट्स सबसे पहले हमने बोला इंटीजर y इज इक्वल टू दिस वैल्यू ये परफेक्टली फाइन है कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉन्ग l इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू आई थिंक ये भी इसके लिमिट में आई थिंक होना चाहिए अभी मैंने पूरी कैलकुलेशन चेक नहीं किया बट आई थिंक दिस इज़ परफेक्टली फाइन होना चाहिए फिर शॉर्ट x इज इक्वल टू दिस वैल्यू अब ये जो है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है क्योंकि जब हमने 09900 अगर मैं इसको यूज़ किया है तो बिकॉज इसके स्टार्टिंग में ही आपके पास ज़ीरो है तो यानी कि जो नंबर है ये एक ऑक्टल नंबर है राइट तो यानी कि मैं इस ऑक्टल को कन्वर्ट कर सकते हैं इन डेसिमल आप इसको डेसीमल में कन्वर्ट कर सकते हैं बट आई थिंक विल सी कि आ, आगे क्या हम लोग चेक करने वाले हैं उसके अलावा फ्लोट जेड इजिकल टू दिस ये भी परफेक्टली फाइन है बिकॉज f को हमने यूज़ किया था यानी कि फ्लोट है नेक्स्ट डबल जेड इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड दिस ऑल्सो परफेक्टली फाइन इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है करेक्टर जेड इज इक्वल टू ए तो ये करेक्टर है दिस इज ऑल्सो फाइन बी इज इक्वल टू सिक्स ये भी आपके पास सही है उसके अलावा बुलियन बी इज इक्वल टू ट्रू ये भी यहाँ पर सही है बुलियन बी इज इक्वल टू यू नो सेवन माइनस थ्री ये जो इंटरेस्टिंग पार्ट है जब भी मैं आपको सेवन इज़ लेस देन थ्री अगर आप यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि जो स्टेटमेंट है दिस इज़ फॉल्स ठीक है तो यानी कि इस बुलियन बी टू के अंदर फॉल्स इसकी वैल्यू यहाँ पर यूज़ करेंगे उसके अलावा सिस्टम आउट प्रिंट एल और हम यहाँ से बी टू की वैल्यू को हम यहाँ से प्रिंट करेंगे तो यानी कि द ओनली आउटपुट इज़ गोइंग टू बी फॉल्स तो आउटपुट जो है वो यहाँ पर फॉल्स होगा ओके okay? सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि पूरे स्टेटमेंट पे क्या क्या यहाँ पर आ रहा है तो जो आउटपुट यहाँ पर आ रहा है विच इज़ यू नो फॉल्स